Hey guys, welcome back to my YouTube channel मंजना भारद्वाज फिटनेस ब्लॉगर। तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं नीची एक्सरसाइज कर रही हूँ और आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव यूजफुल एक्सरसाइज जिनका कमर का फैट अंदर नहीं हो रहा है, पेट अंदर नहीं हो रहा है यार, हर जगह से फैट निकला हुआ है, परेशान हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं कुछ ऐसी यूजफुल एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपका पेट ही नहीं, कमर का फैट ही नहीं, थाई फैट ही नहीं, आर्म्स फैट ही नहीं, फुल बॉडी फैट लॉस करेंगी। बट अगर आप आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दो चीजें माइंड में लेके चलना है। एक तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पंक्चुअलिटी रखनी है, रोज मुझे वर्कआउट करना है। अगर मुझे बहुत जल्दी एक हफ्ते में मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरा 4-5 किलो कम हो जाए तो मुझे एक हफ्ते तक कड़ी मेहनत करनी है, पंक्चुअल रहना है, रोज वर्कआउट करना है और सिर्फ घर का खाना खाना है। घर का बना हुआ दाल रोटी सब्जी आपको खानी है, रात को जल्दी डिनर करना है, जितना जल्दी आप डिनर कर सकते हैं उतना करना है। 6:30-7 बजे के बाद आपको कोई अन्न नहीं लेना है, उसके बाद आपको भूख लगे तो पानी पी के सो जाओ। अगर आप सच में सीरियस हो वेट घटाना है तो रात को जल्दी लेट डिनर करना छोड़ दो। अगर बहुत ही एक्सेस में वेट है, 100-150 किलो वेट है यार, करें तो क्या करें, ऐसा करो 5:30 बजे तक खा लो जो आपको खाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अगर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है इसको आप दिन में खा लो 5:30 बजे तक, 3-4 टाइम का खाना जो आप खाना चाहते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर शाम का नाश्ता 5:30 बजे तक खा लो, उसके बाद आप कुछ मत खाओ। सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 या 9 बजे जाके जो है अपना ब्रेकफास्ट आपको करना है और ब्रेकफास्ट बिल्कुल हल्का फुल्का तो नहीं बोल सकती मैं, डिनर आपको हल्का फुल्का करना है। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करो चीले बना के खा लो, इडली बना के खा लो, डोसा बना के खा लो, पराठे थोड़े से अवॉइड करो, दाल रोटी सब्जी भी आप खा सकते हैं, थोड़ा सा गेहूं की रोटी को मल्टीग्रेन आटे में तब्दील कर दो, मतलब उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दो, थोड़ा सा चावल का आटा, मक्की का आटा डाल दो, ज्वार है ज्वार का आटा डाल दो, रागी का आटा डाल दो, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लो गेहूं के आटे में, वो एक बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा, हेल्दी नाश्ता भी हो जाएगा। उसके आप 2-3 रोटी सुबह या आफ्टरनून में या शाम को जो है खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। घर के बने हुए दाल चावल रोटी सब्जी खानी है, बाहर की तली हुई मैदे वाली चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। एक तो कुत्ते तो नहीं भौंक रहे हैं, चलो ठीक है, इस तरह से आपको हाथ ऊपर कर लेने हैं। 1-2 हे गाइस, तो ये है मेरी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। जैसे मैंने हाथ ऊपर किए हुए हैं वैसे आपको हाथ ऊपर करने हैं और नीज को टच करना है, नहीं टच कर पा रहे हैं जहाँ तक भी आपके हाथ जा रहे हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करो। इससे जो है आपका स्टक हुआ वेट भी कम होता है, पेट भी कम होता है। जी हाँ, आज की एक्सरसाइज उनके लिए है जो बोलते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे असर नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह की एक्सरसाइज करें जो मैंने आपको बोला कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ ध्यान में रखें, तभी आपका स्टक हुआ वेट भी कम होगा। अगर आप 100 किलो के हैं या 150 किलो 120 किलो के हैं, इन एक्सरसाइज से शुरू करो, आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और जो मैंने खाने पीने के लिए आपको बताया है कि घर का खाना खाना है, मैदे वाली चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, तली हुई चीज़ें भी नहीं लेनी है और एक्सरसाइज रोज करनी है। जी हाँ गाइज, एक्सरसाइज मस्ट है, खाने पीने का ध्यान भी रखना है, जितना हमारी एक्सरसाइज हेल्प करती है वेट रिड्यूस करने में उतना हमारा खाना पीना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारा वेट रिड्यूस करने में, हेल्दी बनाने में। तो दोनों चीज़ें बैलेंस में लेके चलो, साथ में लेके चलो, बहुत जल्दी आपका वेट कम हो जाएगा। जो बोलते हैं मेरा पेट ही कम नहीं होता, वो इस तरह की एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी थी, आप अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा स्लो या फास्ट करना चाहो कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के मैंने लगातार 50 सेट किए, बट टोटल मैंने इस एक्सरसाइज के 100 सेट किए। तो गाइज मेरा वेट कम हो चुका है, मैं 100 सेट ही करती हूँ, पर अगर मुझे बीच में लगे कहीं पे मेरा 1-2 किलो बढ़ गया है तो मैं जो है 100 से ऊपर
150 या 200 भी कर लेती हूँ। तो आप भी अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट है तो आप कोशिश करो कि 100 से ऊपर 150 तक करने की कोशिश करो, दो चार दिन तक 150 किए एक एक एक्सरसाइज के, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा दो, 200 लेके चलो, 30 की रेपिटेशन लेके चढ़ना है, 30 किए थोड़ा सा रेस्ट ली, 30 किए थोड़ा सा रेस्ट ली, इस तरह से आप सारा वर्कआउट कंप्लीट कर लेना अपना। और ये है मेरी सेकंड वाली एक्सरसाइज, दोनों हाथों को ऊपर करना है, जितना भी आपका पेट का फैट है, आर्म्स फैट है, साइड फैट है, सारा बर्न कर देगी ये वाली एक्सरसाइज, साथ में फुल बॉडी पे भी प्रभाव डालती है, जितना भी आपका हर जगह से फैट पड़ा हुआ है सारा वो खत्म कर देती है। तो आज की एक्सरसाइज सारी ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं जिनका बहुत हैवी वेट है, बिगिनर हैं जो सोच रहे हैं मैं कौन सी एक्सरसाइज शुरू करूं, मुझे अपना वर्कआउट करना है, तो आप इन एक्सरसाइज शुरू करें, बहुत जल्दी आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप लगातार एक हफ्ते तक कड़ी मेहनत करते हो, आपको एक हफ्ते में आपका 3-4 किलो कम हो जाएगा, बट कंडीशन ये है ना कि एक्सरसाइज रोज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है ना सुबह भी शाम भी, तो दोनों टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मॉर्निंग में भी 100 सेट किए एक एक एक्सरसाइज के, शाम को भी आप 100 सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप करोगे ना तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर और खाने पीने का मैंने आपको बोल दिया है कि अगर आप जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेते हो 5:30 बजे तक, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तब भी आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने देख लेना, या तो स्किप कर सकते हो रात का खाना तो कर दो, नहीं तो 6:30 बजे तक अपना खाना खा लो, रात का डिनर खत्म कर दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, 2-4 दिन तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आपको लगेगा 8-10 बजे तक कि मुझे भूख लग रही है, पर उस टाइम आप क्या करना, एक भर के गिलास पानी का पी लेना, आपको भूख नहीं रहेगी। आप ये चीज़ें करके देखो, एक्सरसाइज रोज करो, बहुत जल्दी आपका फुल बॉडी फैट लॉस हो जाएगा। तो गाइज ये मेरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थी, दोनों पैरों को आपको छूने की कोशिश करनी है, इससे भी हमारा पेट तो कम होता है, साथ में फुल बॉडी फैट लॉस होता है। तो यहाँ पे ना मुझे बाल बहुत परेशान करते हैं यार, मैं बांधूँ तो मुझे दिक्कत होती है, ना बांधूँ तो दिक्कत होती है, मैं बालों से ना बड़ा परेशान हो जाती हूँ एक्सरसाइज करते वक्त। चलो कोई नहीं, अब एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। तो गाइज इसके भी मैंने जो है टोटल 100 किए, 50-50 मैं करती हूँ, एक मतलब मैं लगातार 50 कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ एक आधा मिनट की, फिर दोबारा से मैं 50 कर लेती हूँ, इस तरह से मैं 100 कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्सरसाइज मैं रोज करती हूँ, मुझे पता है मेरा वेट कम हो गया है, बट मैं एक्सरसाइज क्यों करती हूँ, ताकि मेरा ये वेट जो है इन फ्यूचर ना बढ़े, और मैं बीमारियों से भी दूर रहती हूँ, कोई मुझे छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं लगती हैं, और इसके बाद मैं योगा भी करती हूँ। आप भी एक्सरसाइज के बाद योगा जरूर किया करें, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड रहता है, खांसी बुखार जुकाम हो जाता है, तो आप योगा भी किया करो, अनुलोम विलोम और कपालभाति 10-10 मिनट या 15-15 मिनट इन दोनों को भी दिया करो। तो एक्सरसाइज भी रोज करनी है, योगा भी करनी है, आपका वेट भी कम होगा, बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। तो जो है एक्सरसाइज को भी रोज टाइम दो, वेट तो आपका कम होगा होगा, जिनका वेट स्टक हो गया कम नहीं होता उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है अगर कईयों का एक हफ्ते में 3-4 किलो कम हो जाए, हो सकता है कईयों का 2 ही किलो कम हो, बट मैं गारंटी देती हूँ कम जरूर होगा। जो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो सारी आपको करनी है, जैसे मैं अभी कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा रन कर रही हूँ, आप भी जरूर करने की कोशिश करें, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इजी से कर पाओगे आप, इससे भी हमारा फुल बॉडी फैट लॉस होगा। एंड गाइज अभी मुझे मेरे बाल बहुत परेशान कर रहे थे, फिर मैंने सोचा, ये मैंने ये फैसला लिया कि मैं इनको थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ। तो गाइज ये है मेरी लास्ट वाली एक्सरसाइज, इसके ना मैं लगातार 100 तक सेट कर लूँगी। आप अगर लगातार 100 तक नहीं कर पा रहे हैं, आप 30 या 20-20 लेके चल सकते हैं, इस तरह से 100 या 150 200 कंप्लीट कर लेना, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जल्दी आपका फुल बॉडी फैट लॉस होगा, कहीं पेट नहीं बचेगा, कोई कमर का फैट नहीं बचेगा, कोई थाई फैट नहीं बचेगा, कोई आर्म्स फैट नहीं बचेगा। बस थोड़ा सा मेहनत करो, रोज एक्सरसाइज करो, खाने पीने का ध्यान रखो, जो जितना भी आपका वेट है सारा कम हो जाएगा। एंड गाइज आपने मेरे को जरूर बताना है मेरा आज का वर्कआउट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना गाइज, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना गाइज, क्योंकि इस तरह की यूजफुल एक्सरसाइज लेके मैं रोज आ जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स भी बताती हूँ। ओके गाइज, बाय बाय।